आज किसान आंदोलन जो पिछले 2 माह से दिल्ली की बॉर्डर पर इस कड़ाके की ठंड के अंदर जो 3 कानून जो काले कानून कृषि के रूप में मोदी सरकार ने जो लागू किए हैं उसके खिलाफ आज सीकर के अंदर किसान संयुक्त मोर्चा और व्यापार जो व्यापारी बकरा मंडी के जो गांव जाके और जो बकरा खरीदते हैं और उन किसानों के पास खरीदते हैं जो किसान अपने दिल से उन बकरा बकरियों को पाल के और एक 10,000-15,000 रुपये में एक व्यापारी जो जाता है उसको बेचता है, उस 10-15,000 से उस किसान का घर का खर्च चलता है। इस बात को लेकर जब किसान दोराहे पे खड़ा है तो आज बकरा मंडी के व्यापारी इस बात का संदेश देने के लिए कि किसान इस देश में अकेला नहीं है, किसान और व्यापारियों का जो एक सिक्के के 2 पहलू है उनको साथ में लेकर और उन किसानों के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है कि अगर मोदी सरकार समय रहते अपना ये काला कानून वापस ले ले, अन्यथा तमाम व्यापार जो बकरा मंडी के तमाम राजस्थान के व्यापारी है वो सब एकजुट होकर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में शामिल होंगे। और जिस तरीके से राजस्थान का नेतृत्व जो किसानों का कामरेड अमराराम जी कर रहे हैं उनके आह्वान पर और भी अन्य संगठन तमाम साथी मिलकर और इस काले कानून को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली कूच करने का भी निर्णय लेंगे। जैसे ही संयुक्त राष्ट्र किसान समन्वय समिति का आदेश आएगा, कामरेड अमराराम जो किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उनके आदेश के अनुसार हम सीकर जिले के अंदर भी हजारों की संख्या में तमाम, क्योंकि किसान सबको रोटी देने वाला जो अन्नदाता है उसके समर्थन में हम दिल्ली कूच करेंगे। और इसी बात को लेकर आज हमने बकरा मंडी से लेकर शुरू होकर और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर और इस रैली के रूप में जिसमें हजारों की संख्या में व्यापार जो बकरा मंडी के साथ ही उसमें सम्मिलित थे, मैं धन्यवाद दूंगा बकरा मंडी के तमाम सदस्य कमेटी को कि उन्होंने इस अवसर पर जब किसान दोराहे पे बैठा है उसमें उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनका समर्थन किया। इसके लिए तमाम जो किसान बंधु और तमाम जो व्यापारी बंधु उनके लिए धन्यवाद।